चली गई थी तू पूरी? मैं दी कहाँ है? दी जीजू के साथ होंगी। जीजू के साथ क्या कर रही है? उसकी शादी के वक्त मैं उसे तैयार कर रही थी और मेरी शादी का उसका पता ही नहीं। अरे बिल्कुल रिलैक्स, तू इतना क्यों टेंशन ले रही है? मैं बुला के लाती हूँ तेरे को। जल्दी से जा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। रेडी नहीं रहूंगी ना तो माँ मुझे चिल्लाने वाली है कि तू। पर ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। आएगी ना तो दी से गुस्सा करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पता नहीं दी कहाँ चली गई। आने दो उसे, बस डांट लगाऊंगी। दी तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी और तू है कि? वैसे तुझे पता है मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी क्या पहनना है क्या नहीं। बहुत ही सुंदर। इश्क करे जो तो ही जाने, इश्क करे जो सो ही जाने, क्यों जल जाता है वो। पूरा तुम याद ये दिल ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल, इन फैक्ट फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। बाय द वे मेरा गिफ्ट का? तुम्हारा गिफ्ट? आई मीन जरूरी है क्या? अगर तुम मुझे गिफ्ट दो तो मुझे भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। अरे जरूरी है ऑब्वियसली, तुम नहीं चाहती क्या? जो स्माइल अभी तुम्हारे फेस पे वो मेरे फेस पे भी हो। चाहती तो हूँ। तो फिर लाओ मेरा गिफ्ट। पर पूरा अभी? अभी और कभी? वो पूर्वी पूर्वी बोल रही थी कि तू मुझे मिस कर रही है, तो मैं मुझे क्या पता था तू उसे बहाने से बाहर भेज रही थी। नहीं नहीं ये कोई बहाना नहीं था, मैं एक्चुअली तुझे मिस कर रही थी। मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी कि पूरब आ गया, पूरब को जाने के लिए कहा कि तू आ गई। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तुम जाओ जाओ। तू पागल हो गई है? आज के दिन उसका मूड खराब करी? मैंने कहा मूड खराब किया? और वैसे भी मैं उसका मूड ठीक करना जानती हूँ। तेरी बीवी भी कैसी है? अरे वो तेरे जीजू है ना, कभी मेरे जीजू। हाँ रोमांटिक न्यू ईयर का रोमांस रोमांस शुरू हो गया लगता है। तू मत शुरू हो जा बुद्धू, चल तुझे तैयार करती हूँ। आलिया कि तुम इस फंक्शन में आना चाहती थी, खुद तो आई ठीक है, अकेले आ जाती, मुझे क्यों लेके आई? क्योंकि लाइफ में तुम हर काम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करती हो, कभी किसी दूसरे के लिए करोगी तो जानोगी कि खुशी क्या होती है, समझी? स्माइल। आलिया मेरी बच्ची, तू बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू दादी। बहुत सुंदर। अरे दादी ये है ही इतनी सुंदर लग रही ना आज, सबसे खूबसूरत, सबसे अलग। आखिर बहन किसकी? तुम्हारी। करेक्ट। अब पोती देखो मेरी बहन है तो एक्सक्यूज, अगर भाई बहन बात करना चाहते हैं। आलिया तुम नहीं जानती तुम्हें यहां पर देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही, वरना एक पल के लिए तो इस शादी को लेके मैं तुम्हारे लिए ना बसता। लेकिन जिस तरह तुमने उन दोनों को एक्सेप्ट किया है, उनकी खुशियों का हिस्सा बनी हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू।
पूल सेट है ना, वहाँ पर मैं एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। एक बार ये सारे फंक्शंस खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद हम फॉर शॉकर ड्रिंक्स करेंगे। रियली? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स रियली। हाय रब्बा, रोका है कोई शादी नहीं जो इतने सट के बैठे हो, जरा हट जाओ। ओ मर्चानिया, बच्चों को ट्राई लाओ जी लाओ। कंग्रेचुलेशंस भैया, कंग्रेचुलेशंस भाभी। जिस लड़की से आपने प्यार किया उसी से शादी करने जा रहे हैं। वी आर सो हैप्पी। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? चाची जी, ये सब अभी की वजह से। उसने हमारे प्यार को समझा और आलिया को भी समझाया कि वो मेरे से शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएगी। अभी ने बहुत अच्छा काम किया है चाची से। और आपको पता है, आलिया भी हमारी तरफ है, वो भी चाहती है कि ये शादी हो। और फिर अभी ने हमारी शादी अनाउंस कर दी। जीजू ने हमें वो खुशी दी है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और अब मैं उन्हें वो गिफ्ट दूंगी जो उनके चेहरे पे खुशी लेकर आएगी। Excuse me, guys, attention please. वो actually मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। थोड़ा nervous हूँ क्योंकि छोटी सी speech ही सही। माँ, वो मैं ये कहना चाहती थी कि life के rules भी ना अजीब होते हैं, और वो जो रिश्ते होते हैं अगर वो खो जाते हैं उसे पाने के लिए आपको U-turn लेना पड़ता है, और guess what? मेरी भी लाइफ में एक यूटर्न आया, और उसका क्रेडिट जाता है उस इंसान को जिसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, जिसको दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है, और जिसके रॉकिंग और हैपनिंग गानों की वजह से लोगों के दिल में खुशी और होठों पे मुस्कान आती है, राजीजू। और
जिन्होंने जिन्होंने मुझे और पूरब को मिलाया। आप सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तो उनकी इतनी बड़ी फैन हुआ करती थी कि उनकी एक झलक देखने के लिए ना मैं घंटों लाइन में खड़ा हुआ करती थी। स्टार, ही इज अ सुपरस्टार, ही इज अ रॉक स्टार, और स्टार तो स्टार होता है, हमेशा चमकता रहता है। आज मैं आपके सामने एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। मुझे शर्म नहीं आ रही, लेकिन ओके, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं अपने फेवरेट रॉक स्टार के साथ डांस करूँ, तो क्या ये मेरी विश पूरी हो सकती है? जीजू, will you dance with me? Of course. तभी तो प्यार बढ़ता है। She like the drama, yeah, she a sexy mama, and when she dance, everybody go, 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 go. You know she like the drama, yeah, she a sexy mama, and when she dance, everybody go. इतना भी मत चलाओ कि बाद में मनाना मुश्किल हो जाए। जीजू, मैं सचमुच आपके साथ डांस करना चाहती थी। Because you are the best. That is correct. लेटर ना वो बुनू मैम खड़ी है ना, वहां उनको जाके दे। नहीं, याद से, याद से। Excuse me. सुनो जी, वहां पे कुछ गेस्ट आए, उन्हें जाके सर्व कर। जी मैम, ये पूरब सर ने ये लेटर बुलबुल मैम को देने के लिए, मैं अभी देखिए इसको जस्ट आता हूँ। एक मिनट, ये लेटर मुझे दे दो, मैं बुलबुल मैडम को दे दूंगी, तुम जाके गेस्ट को सर्व करो, वरना अभी से नाराज हो जाएंगे। जी जी मैम। तुम मेरे पास हो फिर भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मुझे 15 मिनट के बाद पूल साइड पे मिलो, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूँगा। और अगर आज मुझे मेरी फर्स्ट किस नहीं मिली तो सोच लेना जलाना तड़पाना मुझे भी आता है। रिपोर्ट आ गया। तुम जितना इस दर्द को छुपाने की कोशिश करती हो ना, ये उतना ही तुम्हारे फेस पे नजर आता है।
ये लेटर पढ़ के तुम्हारा ये हाल है तो तब क्या होगा जब वो दोनों एक हो जाएंगे? Come on, आलिया, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम कुछ कर सकती हो। अगर इस रिलेशनशिप में पूरब ने एक कदम और बढ़ा लिया ना तब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तनु? दोस्त हो या दुश्मन, जब भी मैं पूरब को बुलाना चाहती हूँ, उसे अपने से दूर करना चाहती हूँ, तब ऐसी चीजें लाकर मुझे उसकी और याद दिलाती हो। और तुम समझती क्यों नहीं हो तनु, मैंने पूरब और बुलबुल के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। यस, तुम अभी खुश हो लेकिन बाद में रोगी आलिया। अभी तुमने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया पर बाद में पछताओगी और तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा सोचना, तुम्हें गलती करने से बचाना मेरी ड्यूटी है और इसलिए मैं ये लेटर दिखाने आई थी। अब आगे क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी। मैं ये लेटर बुलबुल को देने जा रही हूँ और फिर 15 मिनट बाद जो होगा ना वो तुम देख लेना और फिर मैं देखती हूँ कि तुम उसे कितना पॉजिटिवली लेती हो। मुझे तो बुलबुल से मिलने जाना था। दादी मैं आता हूँ। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। थैंक यू सो मच। अब एक्सक्यूज मी मैं कॉल करके आता हूँ। ब्रो कॉल बाद में करना, पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में बात करें प्लीज, ये कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख यार बाद में मैं भूल जाऊंगा, मेरे पास इतना ब्रिलियंट आइडिया है ना कि तू सुनेगा तो खुश हो जाएगा। बोला था वेट करेगा मेरा, पर वेट तो मुझे करना पड़ रहा है। अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? आने दो से ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। की आवाज, की आवाज कहां से आई? मेरी दोस्त की शादी हो रही है और इसकी खबर मुझे किसी और से मिल रही है, मैं इससे बहुत नाराज हूँ। बेटा वो हुआ यूं कि ये सब अचानक हुआ ना, इसीलिए ये लोग तो छोड़ ही नहीं रहे। नहीं गया तो बुलबुल नाराज हो जाएगी, अब क्या करूं? प्रगति मैं क्यों बात करूं? तुम्हें बुलाया है, तुम जाकर बात करो। प्रकृति मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ से जाऊंगा तो गेस्ट नाराज हो जाएंगे और नहीं जाऊंगा तो आपकी बहन बुलबुल नाराज हो जाएगी। अब आप ही बताइए आज के दिन में उसे कैसे? और अब तुम फिर से छोड़ के जा रहे हो यार, हम सब तुम्हारे लिए यहाँ पे आए हैं, इधर आओ ना यार, चल ना यार। आओ कुछ नहीं होगा, कुछ